Assalamu alaikum hello everyone welcome back to my channel naisha live with kids so welcome to my new vlog winter morning routine to लेस स्टार्ट तो यहाँ पे जो है आ, मौसम जो है बहुत ठंडा हो गया और बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं और मैं जो है बैक टू रूटीन पे आ जाती हूँ तो मैं बनाने जा रही हूँ लंच तो यहाँ पे जो है ग्यारह साढ़े ग्यारह हो रहे तो मैं बना रही हूँ कीमा मटर तो यहाँ पे मैंने कीमे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसे ड्रेन होने के लिए रख दिया है क्योंकि कीमा धुलो ना तो बहुत ज़्यादा पानी उसमें रह जाता है तो फिर वो बाद में बहुत ही निकलने लगता है तो उसको मैंने अलग रख दिया है साइड पे और यहाँ मैंने तेल लिया है और तेल में जो है सारे खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं और उसके बाद मैं अपनी प्याज कटी हुई प्याज डाल दूँगी और अच्छे से फ्राई करूँगी तो जब ये ब्राउन कलर की हो जाएगी तो मैं जो है अपना कीमा उसमें ऐड कर दूँगी बीफ कीमा तो ठंड जो है ना वो अचानक से बढ़ गई है खैर दिसंबर चल रहा है दिसंबर जनवरी तो विंटर सीज़न होता ही है तो कड़ाके की ठंड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और सुबह सुबह बच्चों लोग को उठाना जो है बहुत ही मुश्किल लगता है मतलब बहुत ही लगता है कि कैसे बच्चे उठ के जाएंगे लेकिन जब उठ जाते हैं एक बार तो फिर पता नहीं चलता लेकिन जाना तो है तो यहाँ पे देखिए मेरे जो है कीमे अच्छी तरह से मैंने ऐड कर दिया और उसे खूब मैं जो है इधर उधर से चलाकर खूब उसको भूनूंगी और साथ में मैं अपने सारे जो है स्पाइसेस ऐड कर दूंगी नमक हल्दी गरम मसाला चाट मसाला जो भी पाउडर है सब ऐड कर दूंगी और नमक और मिर्चा जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा तो यहाँ पे जो है मैं अच्छे से मिक्स करूँगी उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी और इसे कवर कर दूँगी तो ये जो पानी है ना इसी पानी में वो कीमे भी गल जाएगा और पानी भी हमारा जो है ड्राई हो जाएगा तो यहाँ पे मैं ये बना रही थी ठंड में ना क्या होता है कि ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता है मतलब ऐसा खाना रहे कि गरम गरम खा लो और जैसे बने वैसे ही खा लो गरम चीज़ें अच्छी लगती हैं तो इसमें जो है आलू की तहरी या नहारी मतलब जो भी बनाओ अच्छी मतलब गरम गरम तो और इसमें पता है विंटर में जो है चावल की रोटी बनती है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है कीमे के साथ तो यहाँ पे मैं जो है कीमा मटर के साथ चावल की रोटी भी बनाऊँगी तो हमारा ये जो है लंच है और इतने छोटे दिन होते हैं ठंड में पता ही नहीं चलता है कि कैसे दिन ख़त्म हो गया सुबह से शाम हो जाती है कुछ पता नहीं चलता है और यहाँ पे देखिए मैंने जो है कीमे में मटर भी ऐड कर दी है तो उसी पानी में मटर भी मेरी गल जाएगी और यहाँ पे मैं चॉप किए हुए टोमेटो और ग्रीन चिली ऐड कर दी हूँ तो सब साथ में एक साथ जो है अच्छे से हो जाएंगे सेट तो यहाँ पे देखिए ये पैकेट में चावल का आटा है ये आ, मेरे मायके से आया था तो मैंने कहा कि रखा है एक पैकेट बचा है मैंने कहा ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन ये आटा जो है रेडीमेड है ना तो ये रखने से रोटी जो क्रिस्पी नहीं बनती तो इसलिए इसे जो है जल्दी जल्दी यूज़ कर लो तो सही होता है तो यहाँ पे मैं गर्म पानी से ये आटा गूंद लूँगी और चावल की रोटी साथ साथ बना लूँगी तो यहाँ पे देखिए मैं अपने जो है अब लाल मिर्च जो है वो ऐड कर रही हूँ मेरे हस्बैंड ना वो ड्राई कीमा खाते हैं वो ग्रेवी वाला नहीं खाते तो मैं जो है एकदम सूखा सा सब मसाले में जो है सूखा सा कीमा बनाऊँगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जाएं और फटाफट से लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये कीमे मटर की रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको जो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करें तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है तो यहाँ पे जो है मैं देखिए मेरा ये लास्ट कीमा हो चुका है अब मैं जो है हरा धनिया ऐड करूँगी तो ये मेरा जो है बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए और मैं जो है मटर चेक कर रही हूँ कि गली है नहीं वरना मेरे हस्बैंड का जो है वो पेट डिस्टर्ब हो जाता है अगर मटर कच्ची रहे तो तो यहाँ पे देखिए मैं ये प्लेट में निकाल रही हूँ कितना अच्छा सा टेस्टी लग रहा है तो ये विंटर स्पेशल फूड है विंटर स्पेशल लंच है और यहाँ पे ना मैंने जो है रात में ये मस कीमे का पेस्ट रखा था कबाब के चिकन के कबाब का तो मैंने सोचा अब मिक्स कर लूँ वरना पेस्ट जो है वो हार्ड हो जाएगा तो यहाँ पर मैं उसके कबाब बनाकर मतलब उसमें धनिया की पत्ती प्याज़ वग़ैरह डालकर कबाब बनाकर तो यहाँ मैं अब मैं इसको फ्रीज़ में रख दे रही हूँ सेट होने के लिए उसके बाद मैं फ्रीज़र में इसको रख दूँगी तो आई होप आ, आज का आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू हुए तो सब्सक्राइब करें और यहाँ पे जो है मैं बना रही थी लेमन टी बहुत दिन हो गया था पिए हुए तो मेरी जो है ये हस्बैंड मेरी बहुत अच्छी बनाते हैं लेमन टी लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करी कि उनके जैसी बनाऊँ तो मैंने यहाँ पे बना लिया लेमन टी ठंड में तो बहुत ही अच्छी बनी है उसके बाद मैं अपनी जो है लेकर आ जाती हूँ रूम में और बाकी सबको दे देती हूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़ अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ मैं तो दिल्ली में हूँ तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो अपना ख्याल रखिए अपने फैमिली का ख्याल रखिए स्टे सेफ़